कमलनाथ सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अब कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए नियमित करने की मांग बुलंद कर दी है। इन कार्यकर्ताओं ने भोपाल के शाहजहानी पार्क में एक दिवसीय धरना देते हुए राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। साथ ही इन कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है, लिहाजा बारी कमलनाथ सरकार की है कि वो आशा और उषा कार्यकर्ताओं को नियमित करें, जिससे उनके जीवन में चल रही अनिश्चितता खत्म हो सके। अच्छे दिन ला दूंगा मेरे प्रिय भाई, उस वचन पत्र को लागू कर दो हमारे प्यारे भाई। अभी भी मैं देवी का दरवाजा खोल, बहन मांग तेरे को क्या चाहिए है, बहन मांग तेरे को क्या विधान में नहीं दिया मेरे प्यारे भाई। कमलनाथ जी आया उन बहनों के बारे में कुछ नहीं सोचा, चलो पैसे डालू पूरे देर। शासन ये निर्धारित करना जानती है कि आशा को काम क्या करना है, लेकिन बस शासन इस तरह से हम लोगों को काम बस करवाती जाती है। प्रोत्साहन राशि में कुछ आशा बहनों को प्रोत्साहन राशि मिल पाती है, कुछ बहनों को नहीं मिल पाती है। हमारा ये मांग है कि जो हमारा ये काफ़ी लंबे समय से प्रयास चला आ रहा है आंदोलन के माध्यम से, कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, न्यूनतम वेतन की मांग है जो हमारी पूरी की जाए। और फिलहाल कमलनाथ सरकार से यही उम्मीद है कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वेतन तुरंत लागू किया जाए। हमारी तो सिर्फ यही मानें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को नियमित करें और जो राज्य कर्मचारी का दर्जा है वो हमें घोषित करें, तो फिर आने वाला जो अपना लोकसभा चुनाव है उसमें मालूम पड़ जाएगा उनके लिए कि इन बहनों को वचन पत्र दे के तो मैं छोटी सी सीट पे बैठ गया हूँ और फिर आगे चमत्कार भी हो जाएगा देवी जैसा।